सितंबर से 4 अक्टूबर के सप्ताह में कुल केसेस 28,060 आए और पॉजिटिविटी रेट 2.6% रही। तो इस प्रकार से 7 सितंबर के सप्ताह से अभी तक में लगभग 38% की, अगर हम वीकली केसेस की बात करें तो, गिरावट हुई और पॉजिटिविटी रेट में भी लगभग 46% की गिरावट हुई। कल प्रदेश में 1,49,272 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल 1,08,88,520 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 45,024, इनमें से 21,361 इस समय होम आइसोलेशन में है। अब तक होम आइसोलेशन में 2,27,616 लोग जा चुके हैं, उन्होंने इस विकल्प को चुना है, और उनमें से 2,06,255 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर चुके हैं और वो उपचारित हो चुके हैं। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर कुल 3,525 लोग अभी अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ है कि जिन जनपदों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां पर ज्योग्राफिकल मैपिंग की जाए और जहां पर क्लस्टर्स बन रहे हों बड़े, वहां पर कंटेनमेंट जोन का इलाका सावधानी पूर्वक तय करते हुए केसेस को, संक्रमण को नियंत्रित करने की सारी कार्रवाई की जाए। तो सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 1,31,336 इलाकों में 4,01,757 टीम दिवस के माध्यम से 2,61,44,284 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें 12,94,35,870 लोग रहते हैं। तो आप ये गौर कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सर्विलांस का कार्य और टीमें लगातार काम कर रही हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, जो भी पॉजिटिव केस आता है उसके जितने भी संपर्क में लोग आए हैं, चाहे उनके घर के लोग हों या आसपास के लोग हों, उन सब की ट्रेसिंग की जाती है और उनमें लक्षण के आधार पर तत्काल जांच की जाती है। जो लक्षणात्मक नहीं होते हैं उनकी जांच कुछ समय के पश्चात की जाती है और जो लोग भी उनके संपर्क में आते हैं, जैसे घर के लोग हैं, उन सबों को जो प्रोफाइलैक्टिक डोज है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की या आइवरमेक्टिन की, वो भी चिकित्सा विभाग के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोगों में संक्रमण न बढ़े। प्रदेश में अब तक 64,673 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है और इनसे 8,28,861 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की गई है। तो ये सारी कार्रवाई संक्रमण के नियंत्रण के लिए हो रही है और इसमें आपका निरंतर हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे कि प्रदेश में संक्रमण काफ़ी हद तक नियंत्रित हो रहा है। लेकिन अगर जरा सा भी लापरवाही होगी इस स्टेज पर तो पुनः संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है ताकि कोई सेकेंड वेव इस प्रदेश में ना आने पाए। और सावधानी बरतने के जो तरीके हैं उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या आपको संक्रमण से बचने के लिए करना है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है और जब तक इस बीमारी की कोई एक निश्चित दवा नहीं निकल जाती है, कोई एक निश्चित उपचार नहीं निर्धारित हो जाता है, तब तक इस संक्रमण से हमें सावधानी बरत करके बचे रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर हर बार 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। ये जो एपिडेमिक्स एक्ट है उसके अंतर्गत इसे दंडनीय अपराध बनाया गया, इसलिए आप अपने मुंह और नाक को ढककर रखें। ये आपके खुद की रक्षा के लिए है, खुद के फायदे के लिए है, आपके और आपके परिवार के। क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए या बाजार जाने के लिए, अगर आप संक्रमित होंगे तो घर जाकर के अपने घर वालों को भी संक्रमित करेंगे और जो आपके घर में बुजुर्ग होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी,
बच्चे होंगे या पहले से जो बीमार व्यक्ति हैं, अगर वैसे लोग घर में हैं तो उनमें अगर संक्रमण जाएगा तो जटिलताएं होंगी। तो इसलिए सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, मुंह पर मुंह और नाक को ढकिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। इन सावधानियों को, साधारण सावधानियां हैं, इनको बरत करके आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, चिंता मुक्त रहिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जैसा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में संक्रमण की जो संख्या है वो कम हो रही है, उसी के अनुसार हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। पिछले दिनों में लगभग 367 हॉटस्पॉट कम हुए हैं। कंटेनमेंट के क्षेत्रों में भी, जोन में भी गिरावट आ रही है। अब लगभग 15,668 कंटेनमेंट एरिया बचे हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने का भी प्रयास लगातार चल रहा है। उस क्रम में लगभग 8 लाख से ज़्यादा इकाइयां कार्यशील हैं, जिनमें 51 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। नई इकाइयों को और पुरानी इकाइयों को, लगभग 8.5 लाख इकाइयों को 24,000 करोड़ के ऋण वितरण हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा में ये भी निर्देश दिए हैं कि ये अभी किसानों का धान क्रय का कार्य प्रारंभ हो गया है और ये लगभग 400 मीट्रिक टन धान खरीदा भी जा चुका है। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि हर धान क्रय केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि हर किसान के खाते में 72 घंटे में धनराशि अंतरित हो जाए। किसानों को इस बात के लिए जागरूक भी किया जाए कि अपना धान सुखाकर साफ करके लाएं। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चल रहा है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश को अधिक से अधिक प्रोजेक्ट पे काम करके देश में नंबर एक स्थान पर आना है। यही आज का ब्रीफिंग था। धन्यवाद। चार बजे से